टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिस तरह से मुंगरा कौसा में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो वजह उसकी बताई जा रही है, जो इलीगल तरीके से पार्किंग की जा रही है और जो मुंगरा शहर में ट्रैफिक को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि ट्रैफिक कांस्टेबल भी तैनात नहीं रहते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं मुंगरा शहर के जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं सुरेश लम्भाते, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, जिस तरह से मुंगरा कौसा में जो ट्रैफिक है जो लगातार जाम हो रही है, लोगों का कहना है कि आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो इलीगल तरीके से रोड के किनारे पार्किंग की गई है, तो आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? कैसा है, अभी कोरोना की वजह से फरवरी से लेकर अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, लोग अपने घरों में बैठ रहे हैं, इसलिए सबकी गाड़ियाँ जो है रास्ते के साइड में पार्क हो रही है। हमने उसका सर्वे भी किया है, हमने पार्किंग की कार्रवाई भी शुरू की है धीरे धीरे। अभी लोग जो काम पे जाने वाले हैं, कम लोग काम पे जाते हैं तो गाड़ियाँ सब पार्क हो रही है रोड के ऊपर, लेकिन हमने अभी स्टडी करने के बाद हम लोगों ने अभी सोमवार से कल से ही उसका कार्रवाई चालू किया है हमने, नो पार्किंग का। और इसके लिए महानगर पालिका को हमने पत्र दिया है कि हमको नो पार्किंग का कार्रवाई करने में मदद करे, तो महानगर पालिका और ट्रैफिक विभाग हम दोनों मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं आज। सर, कब तक माना जाए कि ये कार्रवाई जो है आप लोगों की तरफ कब तक शुरुआत की जाएगी? कैसा है, अभी लोगों को एक 4-5 महीना कोरोना की वजह से इतना परेशानी हुआ है, तो हम लोग कैसा धीरे धीरे सबको पार्किंग के बारे में हम सबको समझा रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि इधर पार्क मत करो, अभी धीरे धीरे फर्क आ रहा है उसमें। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो कौसा कब्रिस्तान से और शिमला पार्क तक का जो रास्ता है, तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो रही है और बीच में हालांकि ड्राम भी लगाया गया है वहाँ पर कि लोग एक दूसरे से टकराए ना, एक तरफ से आने जाने में ठीक रहे, लेकिन वहाँ पर जो है डिवाइडर बनाना बहुत ज़रूरी है और ख़ासतौर पर आपके जो कांस्टेबल हैं वो भी वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं। नहीं, एक्चुअली हमने TMC के साथ TMC को लेटर वगैरह दिया है डिवाइडर के लिए, लेकिन कैसा है कोई कोई रात को जो अपन डिवाइडर वगैरह लगाए हैं रात के टाइम में कोई अनजान व्यक्ति है वो उठा के उधर बाजू में करते हैं, तो उनको यू टर्न वगैरह देने के लिए। एक्चुअली उधर कब्रिस्तान के उधर थोड़ा रास्ता बॉटलनेक है, इसकी वजह से थोड़ा परेशानी होता है। तो बीच में पक्का डिवाइडर कब तक बनाया जाएगा ऐसा कुछ? अभी इसके लिए हम महानगर पालिका से बातचीत करके उनको लेटर वगैरह दे रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो करना चाहिए। जैसे शहर में एक सवाल और भी उठ रहा है कि जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं वो ज़्यादातर जो है से कल्याण फाटा हो गया और शिल फाटा हो गया, रेती बंदर हो गया और वाई जैक्शन टोल नाका बाईपास का, तो यहाँ पर जो है एक एक समय में बहुत कांस्टेबल हवलदार वार्डन रहते हैं, लेकिन जो मुंबरा रेलवे स्टेशन से लेकर और शिमला पार्क तक यहाँ पर कभी कभार एक दो दिखे नहीं तो कभी ऐसा कोई कांस्टेबल रहता नहीं, तो आखिर आपसे भी पूछा जाता है तो आप कहते हैं स्टाफ की कमी, तो आखिर क्यों नहीं वहाँ पर जो है तैनात किया जाता है? अगर कमी भी है तो आप अपने कुछ अधिकारियों से बात करके जो है पूरा कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली कैसा है अभी लॉकडाउन में अभी ट्रेन शुरू नहीं है, बस शुरू नहीं है, तो लोग अपना अपना प्राइवेट व्हीकल निकाल के बाहर निकल रहे हैं, इसकी वजह से रोड के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, इसके लिए हमको बहुत हमको दिक्कत हो रही है। और मेन जो परेशानी हमको हो रही कल्याण फाटा से लेके पलावा की तरफ जो काम चल रहा है 6 लेन का, और वो काम की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ इधर लगाना पड़ रहा है। फिर भी हमने मुंबरा सिटी में 4-5 लोग हमने तैनात किए हैं और उधर की समस्या देख के अभी धीरे धीरे वो कवर हो जाएगा। सर, क्या माना जाए, जिस तरह से काफ़ी ट्रैफिक की समस्या है, तो आप लोगों की तरफ से और भी ऐसा क्या सिचुएशन कुछ हल निकाला जा रहा है कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए? नहीं, हमने एक्चुअली अभी वरिष्ठ हमारे ऊपर ऑफिस में हमारे मांग की है लोगों की, जैसे ही लोग आएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा के हम कार्रवाई करेंगे, फिर ट्रैफिक में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी धीरे धीरे पार्किंग की समस्या अभी कम हो रही है, लोग अपने अपने गाड़ियाँ अभी लेकर निकल रहे बाहर, तो धीरे धीरे समस्या कम होती जाएगी। तो आपने सुना कि इस तरह से जो मुंबरा के ट्रैफिक इंचार्ज है सुरेश लम्भाते, उनका कहना है कि जो लॉकडाउन का समय था कोई घर से बाहर नहीं जा रहा था, इस वजह से काफ़ी जो है गाड़ियां रोड के साइड में खड़ी थी, बहरहाल अब
जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है लोग जा रहे हैं बाहर, और बहरहाल अगर रोड के किनारे गाड़ियां पार्किंग हुई है तो ये मनपा से जो है संपर्क करके और मनपा और ट्रैफिक विभाग मिलकर जो है इन अवैध तरह की जो पार्किंग की गई है इन पर जल्द ही कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम, मुमरा।